वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में, मैं मेघा। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू कोई भी बात बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती है। करियर से इतर व अन्य मुद्दे सहित निजी रिश्ते पर भी अपनी बात सबके सामने बिना हिचक के शेयर करती है। हाल ही में तापसी अपनी आने वाली फिल्म थप्पड़ को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। तापसी ने जनसत्ता से इस बारे में बातचीत की और अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बातें भी शेयर की। क्या बताया तापसी ने, जानते हैं इस वीडियो में। तापसी पन्नू से जब प्यार के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार प्यार में पड़ी तब वे स्कूल में थी। तापसी ने कहा, उस वक्त मेरी लाइफ में एक लड़का आया था जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसके साथ ब्रेकअप के बाद मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। फर्स्ट ब्रेकअप ने मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। ब्रेकअप से दिल तो टूटा और उसके बाद मेरे मन में ये भी आ गया कि सिर्फ लड़के ही धोखा देते हैं, लिहाजा उसके बाद मैं प्यार में कभी नहीं पड़ी, लेकिन मैंने लाइफ को जीना जरूर सीख लिया। तापसी अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी कहने से बचती हैं। हालांकि कुछ समय पहले एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। तापसी ने सिर्फ इशारा किया था कि जिसे वो डेट कर रही है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं है। अब ई टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार तापसी एक बैडमिंटन खिलाड़ी माथियास बो को डेट कर रही है जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की है। तापसी पन्नू से इस विषय पर कई बार संपर्क करने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जब भी संभव होता है तो एक साथ लंच या डिनर डेट पर दोनों एक साथ जरूर नजर आते हैं। बता दें कि उस इंटरव्यू के दौरान तापसी के साथ उनकी बहन शगुन भी मौजूद थी। मजेदार बात तो यह है कि तापसी से उनके बॉयफ्रेंड को शगुन नहीं मिलवाया था। वहीं शादी को लेकर तापसी ने कहा, मैं तभी शादी करूंगी जब मैं माँ बनना चाहूंगी। मैं अपने बच्चे को वेडलॉक से बाहर रखना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं ग्रैंड शादी भी नहीं करना चाहती। उन्होंने ये भी बताया कि उनके शादी में कौन कौन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन के काम काफी थका देने वाला होता है। खैर, अलग अलग मुद्दों पर फिल्में बनाने वाली तापसी की लव लाइफ हमेशा से ही लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय रही है, लेकिन अब देखना यह है कि उनकी फिल्म थप्पड़ कितनी दिलचस्प होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।